यहाँ पेड किट जल्दी से आप भी ज्वाइन कर ले लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सारे डीपीपी सारे नोटिफिकेशंस आपको यहीं पे मिलेंगे उसी के साथ आगे चलते हैं हमारे लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन पे जहां पे क्वालिटी एजुकेशन रेगुलर क्लासेस लीड अब बोर्ड डाउट सॉल्विंग आपको सब मिलती है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं आप इनके चेहरे देख सकते हैं बच्चों एंड ये yes, बारह महीने, साथ 3 महीने फ्री है, 24 के साथ तीन महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है ट्वेंटी है वहीं पे एक और बैच लॉन्च हो रहा है जहां पे इंडिया के फिर से टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं और मेक श्योर sure कर रहे हैं यू गेट द बेस्ट कॉन्टेंट अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपने ज्यादा कुछ नहीं करना एक जी नीट रेफरल कोड यूज करना है

आ जल्दी से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं बच्चों हम पढ़ाई जरूरी है आ जाओ आजा जाओ यस तो यहाँ पे देखते हैं ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड क्या ये बात सही है आप कहेंगे बिल्कुल सही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो यहाँ पे दो तरीके से मोड ऑफ डिपेंडेंसी है एक है डायरेक्टली दूसरा है इनडायरेक्टली तो डायरेक्टली वो जैसे हम जैसे शाकाहारी जो शाकाहारी है डायरेक्ट बथुआ खा लेते हैं ठीक है और जो बेटा हमारे इनडायरेक्ट वाले है, जिस है, हैं, एनिमल ने बथुआ खाया है तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो है बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकती है ठीक है बच्चों? नाउ ग्रीन प्लांट्स नाउ दे आर कॉल्ड ग्रीन दे हैव अ पिगमेंट क्लोरोफिल तो ग्रीन प्लांट ग्रीन क्यों है बिकॉज इनके पास पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल और इस पिगमेंट को बनाने के लिए आपको जो आयन की जरूरत होती हो, है, है वो कौन सा होता है बच्चों मैग्नीशियम कौन सा होता है वो मैग्नीशियम इम्पॉर्टेंट इनफैक्ट द फूड एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देम फॉर नीड्स

एंड आर कॉल ऑटोट्रॉप तो बेटर वर्ड क्या होगा बच्चों फोटो क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं भोजन के बनाने के लिए ठीक है तो बेटर वर्ड है फोटो ऑटोट्रॉप बिकॉज दे आर यूजिंग लाइट एनर्जी टू सिंथिसाइज द फूड

दे यूज लाइट एनर्जी क्या यूज कर रहे हैं लाइट एनर्जी द लाइट एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन ठीक है कहां से यूज कर रहे हैं सन की लाइट एनर्जी यूज कर रहे हैं कौन सी रेडिएशन पूरा कौन सा स्पेक्ट्रा यूज कर रहे हैं पार स्पेक्ट्रा कौन सा स्पेक्ट्रा यूज कर रहे हैं बच्चों पार पार क्या होता है फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन और ये कहां से कहां तक होता है ये होता है 400 से 700 नैनोमीटर नानोमीटर तो ये वाली लाइट प्लांट्स यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये वर्ड हमने कहां से लिया है हमने इकोलॉजी से टर्म लिया है ठीक है नाउ टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमेशा इस प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसे हम क्या कहते हैं शुगर्स क्या कहते हैं बेटा शुगर यानी कि चीनी ठीक है

इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ पहला रीजन क्या है क्यों फोटोसिथिसबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन टू द एटमोसफेयर तो वाई फोटो सिंथिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यह भोजन देता है क्योंकि ये क्या देना है बेटा मेक्स फूड And it also avails oxygen in the atmosphere. तो जीने के लिए जो जो आपको चाहिए वो सब हमको यहाँ पे मिलता है ठीक है Have you ever thought what would happen if there were no oxygen? मान लो कि कोई ऑक्सीजन नहीं होगी आजकल तो आप देख रहे होंगे कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन आज शायद सबको पता लग चुका है कि ऑक्सीजन कितनी जरूरी है पता लगा है या नहीं लगा या अभी भी तुम्हें कोई शक है अगर ऑक्सीजन नहीं है बेटा तो आप सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ की सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेस रुक जाएगी जो अपने हैं वो चले जा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल बिल्कुल सही है शोधा तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो हमको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ऑक्सीजन कितनी जरूरी है इसके लिए, इसके लिए जितना ज्यादा आप ट्री प्लांट करें उतना बढ़िया चीज है ठीक है नाउ दिस चैप्टर फोकस इज ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ फोटो सिंथेटिक मशीनरी एंड द वेरियस रिएक्शन चलिए आप देखते हैं चैप्टर शुरू करने वाले इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा खत्म हो चुका है ठीक है चलिए आइए

क्या मस्त पत्ती बनाई है हमने ये भी? अब हमने क्या किया इस वाली पत्ती पे हमने आधे में ब्लैक पेपर लगा दिया ये है आपका ब्लैक पेपर ब्लैक पेपर तो बेटा इतने हिस्से में तो फोटोसिंथेसिस होगा क्योंकि लाइट आ रही है इतने हिस्से में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि आपने इसे कवर कर दिया ब्लैक पेपर से और ये वाली पत्ती में तो ब्लैक पेपर आपने इस्तेमाल ही नहीं किया तो यहां पे फुल कॉन्टेंट कहा होगा यहाँ पे तो स्टार्च का मैक्सिमम कॉन्टेंट यहां होगा और इतने पार्ट में स्टार्च बनेगा बट कम बनेगा ठीक है और यहां पे तो बनेगा ही नहीं ठीक है तो ये कुछ बताना चाह रही है एनसीआरटी चलो आप पढ़ते और समझते और आ

ंग लाइट रिसीविंग पार्ट ऑफ प्लांट क्या होता है लाइट रिसीविंग पार्ट ऑफ प्लांट क्या होता है दैट इज योअर लीफ क्योंकि लीफ ही है जो लाइट रिसीव करेगी और आपको बना के देगी क्या शुगर ठीक है तो so, यहां पर हम लिखेंगे लीफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्प वेरी इंपॉर्टेंट अब नेक्स्ट पे चलते हैं आ जाओ अब हम यहां आ गए चूहा जिंदा चूहा मर गया चूहा ठीक है अब यहाँ पे क्या हो रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है चलो इसको देखते हैं

लिए ठीक है तो इसमें हमने क्या किया हमने यहां पे दो टेस्ट ट्यूब ली टन 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 ले ली अब इसमें हरी हरी पत्तियां हरी -हरी पत्तिया। ये एक पत्ती ये दूसरी पत्ती ठीक है दो पत्तियां ले ली अब एक के ऊपर हमने इस वाली के ऊपर मान लो हमने कॉटन लगा दी ये कॉटन है कॉटन सोप इन KOH. KOH अब जो ये ये है, करता है करता कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड तो यानी इस पत्ती को क्या नहीं मिला इस पत्ती को क्या नहीं मिला इस पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला इस पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो फोटोसिंथेसिस कहां होगा फोटोसिंथेसिस यहां होगा यहां पे फोटोसिंथेसिस होगा जबकि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था इसे यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो यानी कि इन दो सिंपल एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगता है बच्चों कि लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर आर द द प्रिकर्सर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हमको दोनों एक्सपेरिमेंट क्लियर है तो जल्दी से एक बार थम्सा बना दो चैट बॉक्स में जल्दी से थम्सा बना दो जल्दी 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 अजी पानी की बॉटल गांगी ये देख बॉटल हा ठीक है अब आते हैं बाकी अर्ली एक्सपेरिमेंट पे आगे समझते हैं कि और क्या क्या, -क्या एक्सपेरिमेंट हुए चलिए इट इज इंटरेस्टिंग ये इंटरेस्टिंग है आपको मान के चलना है क्योंकि एनसीआर ने लिखा है टू लर्न अबाउट दो सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटो ठीक है पहला फर्स्ट लिख लो यहां पे जोसेफ प्रीस्टली सेवनटीन थर्टी थ्री एटीन जीरो फोर

क्या रिकॉल करें डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774 अरे भाई लोग वो प्रीसली ने डिस्कवर की थी ऑक्सीजन 1774 में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई देखो छुपा हुआ पॉइंट है बिल्कुल बढ़िया पॉइंट है किसने खोजी ऑक्सीजन प्रीसली ने कहां पे 1774 में यार बड़ा एक छुपा हुआ पॉइंट निकल गया मेरे को भी मजा आ गया नाउ प्रीसली ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज स्पेस अ बेल जार सून गेट्स एक्सटिंग्विश्ड

क्या ऊपर से एक जार ढक दिया कांच का ठीक है अब क्या हुआ जितनी ऑक्सीजन थी तब तक जिए उसके बाद देखो मर गए ठीक है और कैंडल क्या हो गई बुझ गई और दूसरे वाले में उन्होंने क्या देखा कि ये पूरा ढका हुआ था बट यहाँ पे प्लांट लगा दिया उन्होंने तो जब तक रहेगा प्लांट तब तक निकलेगी ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन कॉम्बेशन और माउस को जीने के लिए मिलती रहेगी तो प्लांट के हो जाने से दोनों के दोनों बढ़िया से जलते रहे और जीते रहे। सो दिस एक्सपेरिमेंट डन बायी ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पे आगे बढ़ते बट बोथ डैमेज द एयर। बट वेन ही रिप्ले ही अ मिंट प्लांट मिंट प्लांट क्या होता है पुदीना क्या होता है बेटा पुदीना ठीक है अक्सर लोग आपने देखा होगा खाना खाने के बाद हैप्पी डेंट वगैरह ये सब खाते हैं क्यों खाते हैं तो मुझे भी नहीं पता बट अक्सर खाते हैं ठीक है कुछ वो क्या कहते हैं उसको मुखवास मुखवास हो वो चटनी होती है जो तुम में जाके भर लाते हो नैपकिन में है ना वही उससे भी अच्छा लगता है ये सब मिंट से बनी होती है पुदीने से ठीक है बिल्कुल तो इन द सेम बेलजॉर ही फाउंड दैट द माउस स्टेड अलाइव तो जब उन्होंने मिंट प्लांट रखा तो उन्होंने देखा कि माउस जिंदा है

क्या इमेजिन कर पा रहे बच्चों आइए ठीक है एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कैंडल एंड अ प्लांट अरे भाई इसमें इमेजिन क्या करना कैंडल और ले लो वाई प्लांट रिमेंबर ही वु नीड टू रीट किंडल यू टू टेस्ट वेद इट बर्न आफ्टर अ फ्यू डेज कैंडल विदिंग the the अरे भाई बात तो सही कह रहे हैं कह रहे कि यार वो कैंडल जला दी फिर उसके बाद वो जल रही है वो वापस कैसे जला रहा है नहीं सोचेंगे क्योंकि ये नीट में नहीं आएगा ठीक है उतना ही सोचो जितना नीट में आता है तुम्हारे यूजिंग बट बाय प्लेसिंग इट व डार्क एंड वंस इन द सन लाइफ जैन इंगन हाउस क्या नाम है इंगन हाउस बोलते है, पता नहीं क्या बोलते हैं इंगन हाउस का है है 1730 से 1799 ये इनका जीवन का का कार्यकाल रहा. That sunlight is essential to the plant. अब जो second point है का, वो क्या है कि सनलाइट असेंशियल होती है प्लांट के लिए जबकि प्रीसली ने क्या था एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटो प्रोसेस दैट शो Uh, somehow purifies the air fouled by burning candles or breathing animals. Ingenhousz is an elegant experiment with an aquatic plant. तो इन्होंने mint की जगह कौन सा plant लिया? Aquatic plant लिया. Showed that in bright sunlight, small bubbles were formed around the green part, while in the dark they did not. ठीक है? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने aquatic प्लांट लिया. Aquatic प्लांट समझो जो पानी में डूबा हुआ है. Ingenhousz बोलते हैं. तुम तुम मुझे प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे हो अच्छा ठीक है टाइम टू लीव द प्लैनेट बट सिखा सकते हो ऐसा कुछ नहीं है बेटा मैम की अंग्रेजी तुम्हें पता ही है कैसी है ठीक है अब देखो यहाँ पे आते हैं इन्होंने क्या किया एक्वाटिक प्लांट लिया प्लांट क्या हमारा ये रहा आज पूरा तुम्हें क्लियर विजुअलाइजेशन से समझाएंगे ये प्लांट है ये पानी में है पानी में डूबा हुआ है जब से पड़ती है तो छोटे छोटे बबल्स बनते हैं बबल्स किसके ऑक्सीजन के क्योंकि दिन के वहीं पर जब अंधेरा हो गया तो कोई बबल नहीं रात में नहीं निकलती है ठीक है तो इन्होंने यहाँ पे एक प्लांट लिया हाइड्रेला इन्होंने यूज किया हाइड्रेला और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि दिन के टाइम ब्राइट सनलाइट में निकलता स्मॉल बबल जो होते हैं ऑक्सीजन के और यही बबल्स नहीं बनते हैं ड्यूरिंग द डार्क ये नहीं बनते हैं लेटर यू आइडेंटिफाई टू बी ऑफ ऑक्सीजन यही बबल्स किसके बने थे ऑक्सीजन के शो दैट इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन तो अल्टीमेट हमारे यहां पे इंगन हाउस ने क्या बोला इंगन हाउस प्रूव दैट फोटोसिंथेसिस फर्स्ट फोटोसिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम पहली चीज दूसरी चीज ऑक्सीजन इज इवॉल्व बाय ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। क्लियर हो गया बेटा दोनों की सब कुछ क्लियर है कोई भी ऐसी कंफ्यूजन जो आपको हो रही है होनी नहीं चाहिए आराम आराम से बता रही हूं एक एक चीज नेक्स्ट पे चलते आप इट वॉज नॉट अंटिल एटीन फिफ्टी फोर दूलियस इन्होंने एक टेक्निक बताई थी कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टोमैटो कोकुम्बर लेटर्स क्या नाम था तो उस टेक्निक याद नहीं आ रहा मुझे हेल्प कर सकते लास्ट चैप्टर क्या टेक्निक का नाम था हाइड्रोपोनिक्स ये वही सैक अंकल है जिन्होंने हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक दी थी ठीक है अब यहां पर भी इनका रोल आने वाला है प्रोवाइडिंग एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज तो पहले ने कहा कि हवा जरूरी है दूसरे ने कहा सनलाइट जरूरी है तीसरे ने कहा ग्लूकोज बनता है तो यहां पे ही प्रूव द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च एंड स्टार्च इज होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर एवरीबडी इन द चैट बॉक्स चार्टॉक्स होमोपोलीमर एट्रोपोलिमर किड्स क्या कैसा पॉलीमर है ये स्टार्च स्टार्च बना होता है अल्फा ग्लूकोज से स्टार्च बना होता है अल्फा ग्लूकोज से यह एक तरह का होमो है। और इसमें दो तरह की यूनिट्स होती हैं। एक को हम कहते हैं अमाइलोज दूसरे को हम कहते हैं पेक्टिन। ठीक है और ये कहां पे स्टोर स्टार्च कहां पे स्टोर होता है बेटा ये स्टोर होते हैं ल्यूकोप्लास्ट में कहां पे स्टोर होते हैं बच्चों ल्यूकोप्लास्ट जो कि एक तरह के प्लास्टिड्स हैं प्लास्टिड्स अमाइलोप्लास्ट ठीक है ल्यूकोप्लास्ट अमाइलोप्लास्ट दैट यू फाइंड इन द पोटैटो ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट हाँ पे नाउ इज लोकेटेड इन अच्छा यहां पे ना हिज लेटेस्ट स्टडी शो दैट द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट कुछ तो हरा है प्लांट में जिससे वो हरा है उस हरे को हमने क्या बोला क्लोरोफिल

ठीक है फिर उन्होंने दूसरी चीज क्या बोली ये स्टोर भी होता है और ये ग्लूकोज कैसे स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होता है ठीक है बेटा तो ये था तो साक की कहानी अभी तक हमने क्या क्या किया है एयर जरूरी है लाइट जरूरी है ग्लूकोज बन रहा है अब आते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे यानी कि एंगलमैन ठीक है नाउ नाउ कंसिडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाई टी डब्ल्यू एंगलमैन इसे इस तरीके से याद करना एंगलमैन पता है क्यों याद करना है क्योंकि जो लाइट होती है ना एंगल्स पे टूटती है इन द प्रिज्म तो इस तरीके से आप हमेशा याद रख पाएंगे अपने एग्जाम के लिए तो ने क्या किया? देखो आगे ना प्रिज्म आपको पता है तिकोना होता है पिरामिड होता है स्प्लिट लाइट इन टू इट स्पेक्ट्रल कॉम्पोनेट एंड देन इल्यूमिनेटेड ग्रीन एल्गा तो इन्होंने ग्रीन आलगा को इल्यूमिनेट किया जिसका नाम था क्लाडोफोरा कल का एनटी का मॉक टेस्ट का क्वेश्चन ठीक है प्लेस इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया द बैक्टीरिया वर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्रेड स्पेक्ट्रम अब देखो क्या समझ में आई आपको अंग्रेजी बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है भाई कैसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कभी मैं खुद सोचती रह जाती हूँ बेटा देखो ध्यान से देखना ये है सस्पेंशन ध्यान से देखा आपने सस्पेंशन सस्पेंशन में पहले लिया प्रिज्म ये क्या लिया मैम ने प्रिज्म ठीक है अब प्रिज्म से हमने यहां पर व्हाइट लाइट पास की व्हाइट लाइट स्प्लिट हो गई विबग्योर में किस में स्प्लिट हो गई बेटो विबग्योर में स्प्लिट हो गई ठीक है हो अब इन्होंने क्या किया ये रही आपकी क्लाडोफोरा 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 सब आपने आपने हर एक लाइट से इल्यूमिनेट किया को ठीक है अब इन्होंने नेक्स्ट चीज क्या की यहां पे लिया बैक्टीरिया 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 और ये बैक्टीरिया भूखा है किसका ऑक्सीजन का ये बैक्टीरिया किसका भूखा है ऑक्सीजन का मैक्सिमम ऑक्सीजन एवोल्यूशन किस लाइट के पास हुआ लिखा है एनसीईआरटी में देखते हैं वापस देखिए तो इन्होंने लिखा है कि रेड लाइट ब्लू और रेड लाइट के वहां पे मैक्सिमम ऑक्सीजन एवोल्यूशन होता है तो यानी कि ये ब्लू लाइट और यू गई रेड लाइट तो यानी यहां पे मैक्सिमम ऑक्सीजन निकली यहां पे भी मैक्सिमम ऑक्सीजन निकली दोनों जगह मैक्सिमम ऑक्सीजन निकली तो सबसे ज्यादा ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया किस लाइट के पास होगी कम ऑन किड्स, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया की कि ग्रोथ किस लाइट के पास होगी तो सबसे ज्यादा ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया होगी रेड लाइट के पास एंड ब्लू लाइट के पास तो यानी कि पूरे व्हाइट लाइट में सबसे ज्यादा जो काम की वेवलेंथ की लाइट है वो है ब्लू लाइट एंड योर रेड लाइट

ठीक है क्लेडोफोरा ने सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कब बनाई जब रेड और ब्लू लाइट हुई और ऐसा बैक्टीरिया लिया जो भूखा था ऑक्सीजन का जैसी बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिली वो ग्रोथ करना उसने शुरू कर दिया तो इससे हमें पता लगा कि काम की जो वेवलेंथ है वो ब्लू और रेड लाइट की वेवलेंथ है ठीक है बच्चों बिल्कुल अब देखिए अब फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वस डिस्क्राइब इट रिजेंबल्स रफली द एब्जॉर्प्शन एब्सॉर्प्न ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी अभी इसको हम पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे बिल्कुल चिंता मत करना जब ये आएगा ठीक है तो यहां पे समझ में आ गया बेटा मैक्सिमम ऑक्सीजन कौन सी लाइट पे निकलती है जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए हम यहां पे वापस इस पॉइंट को लिखेंगे किसी का ये पॉइंट मिस होना नहीं चाहिए क्लास में ठीक है तो यहां पे हम लिख रहे हैं इस पॉइंट को मैक्सिमम ऑक्सीजन एवोल्यूशन बाय क्लाडोफोरा अकर्स अकर्स एट ब्लू एंड रेड लाइट वेवले यह था एंगलमेन का एक्सपेरिमेंट क्या ग्लूकोज तो बन रहा है बट किस लेवल पे सबसे ज्यादा बन रहा है अब हम नेक्स्ट पे आएंगे बाय द मिडल ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी द की फीचर ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस वो नेमली द प्लांट प्रोड्यूस अ लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सियो टू एंड वॉटर द एम्पेरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस इज दिस तो यानी आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया पानी लिया लाइट लिया आपने बनाया सी एच टू ओ प्लस ओ टू वे सी एच टू ओ रिप्रेजेंटेड अ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज सिक्स कार्बन शुगर तो ये आपका इंपेरिकल इक्वेशन ठीक है आ जाओ अब एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम आखिर ब्लू और रेड पर ही क्यों बेटा इसका जवाब ना आपके फोटो सिस्टम से आएगा किससे आएगा आपका इसका आंसर फोटो सिस्टम से क्योंकि तो जो फोटो सिस्टम है आपका एंटेजोम क्वांटोजोम है वो सबसे ज्यादा रिसीव वही लाइट करता है ठीक है बच्चों अब आ जाओ नेक्स्ट अटोन कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉर्निलियस वैन नील ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है अनदर इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो हमें पढ़ना है वो बेस्ड ऑन स्टडीज ऑफ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया किस पे काम किया बेटा इन्होंने पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे ठीक है बिल्कुल डेमोस्ट्रेटेड फोटोसिथिस को हमेशा क्या चाहिए लाइट चाहिए इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसिस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट तो यह रिएक्शन है इन ग्रीन प्लांट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल भी इसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए ठीक है देखो इन ग्रीन प्लांट्स वॉटर इज अ हाइड्रोजन डोनर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एंड इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन सम ऑर्गेनिज्म रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथिस

यस yes. अब इधर इधर देखते हैं तो यहां पे देखिए यहां पे अगर आपने प्लांट सेल लिया है यू हैव टेकन प्लांट प्लांट सेल सेल तो में आप पानी यूज करते हैं जब आप पानी यूज करते हैं तो आपको एच प्लस और ऑक्सीजन मिलता है क्या यह बात सही है बेटा फोटोलिस रिएक्शन में जल्दी बताइए बॉक्स में क्या ये बात बिल्कुल सही है जो मामले लिखी है एप्सोल्यूटली सही है ठीक है वहीं पे जब इन्होंने पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया, या पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया लिया, तो ये कीमोऑटोट्रॉफ्स है तो ये h2o की जगह इन्होंने h2s यूज किया जब h2s इन्होंने यूज किया तो इन्होंने हाइड्रोजन और सल्फेट प्रोड्यूस किया तो क्या यहां पे ऑक्सीजन निकली नो no ऑक्सीजन तो यानी कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर बताओ चैट बॉक्स में इस इक्वेशन से क्या पता लगता है कि जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन आ रही है प्लांट्स के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है बच्चों या वाटर से आती है देखो रिएक्शन और मुझे यहां पे बताओ यही सेम चीज उन्होंने लिखी है हेंस दैट ऑक्सीजन इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड आ गया समझ में तो इस रिएक्शन से उन्होंने कहा बेटा जब जब पानी टूटेगा तब तब H+ प्रोटोन बनेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा एटमॉस्फेयर में दिस रिएक्शन वाज कॉल्ड एज़ फोटोलाइसिस फोटोलाइसिस जबकि ये वाला रिएक्शन पॉपल और ग्रीन बैक्टीरिया में हो रहा है दैट्स वाई दे आर कीमोऑटोट्रोफ्स कीमोटोट्रोफ्स बट दे डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन हेंस द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर नॉट द कार्बन डाइऑक्साइड दैट वाज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेड आप देखो वापस इसको प्रूव किया गया

glucose, 6H2O and 6 oxygen. And this reaction occurs, this photolysis reaction occurs in the inner membrane of thylakoid Where C2, C6H12O6 represents glucose, glucose is formed in the stroma. beta glucose? Glucose formation occurs in the stroma. Stroma. The oxygen release is from water, and this was proved using radioisotope technique.

उन्होंने क्या कहा कैसे कहा सब कुछ बढ़िया से होना चाहिए इसके अलावा जो भी एक्सपेरिमेंट है वो आपके मॉड्यूल्स में गिवन है एनसीआरटी में गिवन नहीं है series, so hmm. चलो वे आर डोटो सिंथेसिस फोटो सिंथेसिस कहां पे होती है कैसे होती है यह हम सबको देखना है ठीक है आज इन द क्लोरोप्लास्ट ये तो सबको पता ही है चलो एनसीआर खुद ही देखो एनसीआर इतनी प्यारी बुक है खुद सवाल पूछेगी खुद जवाब देगी और कही आप राइट है oh ज्यादा क्या चाहिए ठीक है ये नाउ यू आर डेफिनेटली राइटोसिस डेक प्लेस प्लेस इन द ग्रीन लीव ऑफ प्लांट बट इट ड्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट अनदर ग्रीन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट का मतलब क्या है लीफ तो लिखा है अदर 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 समझ से नहीं आ रहा कोई बता सकता है मुझे यस yes. अदर का मतलब क्या है स्टेम एंड स्टेम में क्या कहते हैं इसे फाइलोक्लाड्स फाइलोक्लेट ठीक है जो कि कहां पे मिलते हैं हेरिड रीजंस में इसका एग्जांपल क्या है एग्जांपल इसका क्या है बेटा यस ओपंशिया यूफोरबिया यूफोरबिया तो अगर आप इन्हें इन स्ट्रक्चर्स को देखो तो ये प्लेटेंट स्टेम से, जिसके पास खूब सारा क्लोरोफिल है जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस होता है ठीक है बिल्कुल अब आते हैं नेक्स्ट पे यू फ्रॉम द प्रीवियस यूनिट दैट द मीजोफिल सेल्स अब मीजोफिल सेल्स पे आते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन द लीव है लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट सबसे पहली चीज क्या है मीजोफिल सेल्स के पास होते हैं लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट सिंस के पास क्लोरोप्लास्ट ज्यादा यानी क्लोरोफिल ज्यादा यानी कि फोटोसिंथेसिस भी यहां ज्यादा होगा ठीक है बिल्कुल यूजली क्लोरोप्लास्ट अलाइंस डेन सेल्स अलॉन्ग दॉल्स ऑफ द मीजोफिल सेल्स एंड दीज क्लोरोप्लास्ट आर अलाइंड अलॉन्ग वॉल्स ऑफ सेल ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पे चलते नाउ

पावर है क्लोरोप्लास्ट की वो काम हो जाती ठीक है yes, यस बिल्कुल अच्छा रिचा चलो किसको क्लास से चलो किसको 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 अब आते हैं क्वेश्चन पूछा वेन यू थिंक द्लोरोट सर्फेस टू दॉल्स वेन वुड दे बी पर्पेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन है देखते हैं एट में बना हुआ है ठीक है बनाएंगे सब चलिए डबल में सिंगल मेंबल और सिंगल डबल मेंब्रेन ठीक है फिर इसके अंदर स्ट्रक्चर वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर वन टू थ्री एंड फोर एरोबिक्स हो गया तुम्हारा अब एक इसको एक बोरी को बोलेंगे थायलाकोइड एक बोरी को क्या बोलेंगे थायलाकोइड पूरे बोरे को क्या बोलेंगे ग्राना पूरे बोरे को क्या बोलेंगे ग्राना ठीक है हर एक ग्राना आपस में कनेक्टेड है थ्रू अ सिस्टम ऑफ कॉल्ड कॉलास्ट्रोमल लेमिली इसे बोलेंगे स्ट्रोमल लेमिली और जितना भी सॉरी यस जितना भी एरिया है जो मैम गोल्डन कलर से बना रही है दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा इसे क्या बोलेंगे बच्चों स्ट्रोमा अब स्ट्रोमा में क्या होता है स्ट्रोमा में होता है C3 थ्री यानी डार्क रिएक्शन वहीं पे स्ट्रोमल लेमिली पे, पे प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टम सिस्टम वन और यहाँ पे की पे प्रेजेंट होता है टू तो ये लिख लो। हमारा थोड़ा हो अब यहाँ पे वापस पढ़ते हैं ग्राना द मैट्रिक स्ट्रोमा ये तीनों चीजें मामने लेबल की है आप देख सकते हैं देर इज अ क्लियर डिविजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट क्लियर डिविजन है लेबर का ठीक है कौन क्या काम करेगा सब कुछ बताया ठीक है थेके? बिल्कुल

लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस इन्हें हमेशा लाइट चाहिए ये लाइट के बिना भी हो सकते हैं सी थ्री साइकिल या कैलविन साइकिल भी कहते हैं C3 या भी बोलेंगे ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट मैम ब्लॉक करो किसको करना है यस yes. किसको करना है ये बताओ अच्छा ये मियाँ दीदी को करना है मियाँ दीदी को बाय कर दिए अरे यार

आ, दीदी पांच पैम नई आईडी बना देगी मैं पांचों ब्लॉक थोड़ी करती रहूंगी यस आप भी कैसी बातें करते हो यार दीदी के बारे में दीदी को रिस्पेक्ट देंगे सब बच्चे यस चलो आ जाओ ये पूरा पूरा का पूरा क्या नहीं नहीं मैंने हटा दिया मॉडरेटर से अरे यार एक बार गलती हो गई बेटा अब ये तुरंत से हटा दो मॉडरेटर से दीदी को हटा दिया दीदी की सब इज्जत करेंगे सारे लड़के बोलेंगे दीदी ठीक है सब लड़के अभी चैट बॉक्स में लिखेंगे दीदी हमारी बेस्ट सिस्टर है दीदी को हमारा प्रणाम है दीदी की हम पूजा करते हैं सब लिखेंगे ठीक है यस बच्चों चलो जल्दी से लिखेंगे हाँ लड़के अलग ही खुश चलो आ जाओ बेटा ये हमारा पूरा का पूरा क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट ग्रहना आप देख रहे हैं मैंने ये बनाया था स्ट्रोमा अब स्ट्रोमा में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं ठीक है यस बिल्कुल जल्दी जल्दी स्ट्रोमा स्ट्रोमा में कौन सी साइकिल हो रही है चलो जल्दी बताओ डार्क साइकिल डार्क साइकिल सी थ्री साइकिल कैल्विन साइकिल और इससे बनता क्या है शुगर और शुगर स्टोर कैसे होता है एज स्टार्ट ये लिखा था ने? अब आता है स्ट्रोमल लेमिली स्ट्रोमल लेमिली पे प्रेजेंट होता है पीएस वन और पीएस वन का, का काम क्या होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करना क्या काम होता है इसका साइक्लिक फोटो ये काम होता है वहीं पे आउटर इनर मेम्ब्रेन होगी थाइलोकॉइड का लिखा है थालोकॉइड कहीं नहीं लिखे हैं जी वाह नेक्स्ट लेवल है ये हमारा थाइलोकॉइड है थायलोकोईड इसकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है पीएस टू पीएस वन जहां पे होती है नॉन साइक्लिकोटो फॉस्फो राइलेशन ठीक है इनसे हमें तीन चीजें मिलती है हमें ऑक्सीजन भी मिलती है एटीपी भी मिलता है एनएडीपीएच भी मिलता है जबकि इस साइक्लिक से हमें एटीपी मिलता है दैट सेट तो ये बेटा पूरा का पूरा चीज ये सब लिख लो बेटा फटाफट से सब लिख लो दीदी कहाँ गई दीदी चली गई चलो कोई नहीं अब दीदी को याद ही करते रहोगे क्या ऐसे भी क्या दीदी ना लाएगो। चलो नेक्स्ट पे आएंगे आप इसको समझेंगे ये बच्चों को मुश्किल से समझ में आता है बट आराम से पढ़ेंगे तीन लेक्चर लग जाए चार लग जाए आराम आराम से इसको एक एक वर्ड समझेंगे मुझे पता है तुम लोग बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो इस चैप्टर को पढ़ने में तुम सबके से सब बनिए बन जाते हो इस चैप्टर को पढ़ते ही खोलते ही तुम्हें लगता बोर है बोर है बट मैं बता दू इसकी एक एक लाइन इतनी कीमती है कि क्वेश्चन बनता है और तुम्हारे होश उड़ा देता है तो उस टाइम पे तुम बोलते हो एंटी रॉक हम शॉक ठीक है यस yes, बिल्कुल आ जाओ इधर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन पिगमेंट्सिंथेसिस कितने तरह के पिगमेंट इन्वॉल्व है ठीक है यस yes. चलो देखते हैं लुकिंग एट प्लांट हैर सो मेनी शेड ऑफ ग्रीन इन देर लीव इवन इन द सेम प्लांट ये कह रहे हैं शेड ऑफ ग्रीन अरे शेड्स ऑफ ग्रे नहीं है शेड्स ऑफ ग्रीन है ठीक है यस yes, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे सब इन द लीव यानी कि हरे रंग की इतनी सारी क्यों शेड्स है जैसे कि आपने देखा होगा लड़कियों से आप पूछ सकते हैं लाइट ग्रीन ग्रीन सी डार्क ग्रीन यस वेरी डार्क ग्रीन सुपर लाइट ग्रीन देन वी हैव यू नो वॉल ग्रीन यस बहुत सारे शेड्स होते हैं ग्रीन के बिल्कुल सही बेटा यहाँ पे भी बहुत सारे शेड्स है क्यों शेड्स है वो हम देखते हैं वी कैन लुक फॉर ए

क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट शो दैट दलर इज नॉट डू टू सिंगल पिगमेंट बट बिकॉज ऑफ फोर जो कलर आपको दिखता है वो एक से नहीं दिखता है ठीक है आपको यह समझना पड़ेगा तो बेटा आप देखो यहाँ पे चार पिगमेंट चार पिगमेंट मिलकर आपको हरा रंग देते हैं बेटा कौन सा रंग देते हैं हरा रंग देते हैं देखते हैं वो चार पिगमेंट कौन से क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए तब चमकता है जब ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमैटोग्राम ठीक है तो क्लोरोफिल ए क्या है ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमैटोग्राम क्लोरोफिल बी जो है वो येलो एंड ग्रीन दिखता है जेंथोफिल्स येलो होते हैं क्रेटिनोइड येलो ऑरेंज होते हैं ठीक है अब यहां पे हम देखेंगे इधर आइए जरा फटाफट चाहिए एवरीवन इधर तो ए क्या था ब्लू ग्रीन यहां पे लिखेंगे क्लोरोफिल ए ब्लू ते ग्रीन क्लोरोफिल बी यहां पे देखो यहां पे यहां पे लिखा हुआ येलो ग्रीन येलो ग्रीन जैंथोफिल्स यहीं पे लिख लो येलो येलो डर्टी फेलो फिर आते हैं क्रेटिनोइड ये हो गए येलो ऑरेंज गाजर 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 ठीक है बिल्कुल येलो ऑरेंज तो इस तरीके से ये सब जब मिल जाएंगे जब सब मिल बैठेंगे यार तो बना देंगे डार्क ग्रीन कलर ठीक है थैंक यू बेटा वाओ wow, बेटा बेटा प्रियांशु लव यू टू बेटा आई विल मिस यू चलो अब देखो इधर ये देख रहे हो आप डिफरेंट डिफरेंट क्लोरोफिल ए बेटे डिफरेंट कलर से बनाना अब क्या कहता है क्लोरोफिल ए जो मैंने रेड कलर से बनाया क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा काम तब करेगा जब ब्लू ग्रीन लाइट उस पर पड़ेगी आई रिपीट माई वर्ड्स क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा काम तब करेगा जब उसके ऊपर ब्लू और ग्रीन लाइट डलेगी ठीक है जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा एग्जांपल दूंगी हमारे साथ भरत सिंह है भरत बिल्कुल हंस रहा है भरत कहते हैं मैम मैं बहुत स्मार्ट हूँ मैं कहती हूँ भरत स्मार्ट है भरत कहते हैं मैम जब मैं राजा बाबू वाला काले रंग का सूट पहन लेता हूँ ना तो मैम मैं बहुत स्मार्ट लगता हूँ मैं कहती हूँ बहुत सही वहीं पे जब भरत राजा बाबू वाला व्हाइट कलर का सूट पहनता है तो वो उतना ही बेकार भी लगता है तो इससे क्या पता लगता है कि जो हमारा भरत है कब स्मार्ट लगता है बेटा जब वो ब्लैक कलर का सूट पहनता है जब वो ब्लैक कलर का सूट पहनता है ऐसे क्लोरोफिले सबसे ज्यादा कब काम करता है जब ब्लू और ग्रीन स्पेक्ट्रा की लाइट उस पर डलती है आई बात समझ में देखो कि तो दिये देखो कितना मस्त है हम अब नेक्स्ट बेटा शुभम को छोड़ो ना मिनट बढ़िया क्लास चल रही है। अच्छा चलो ठीक है तुम कह रहे हो तो तुम्हारी बात मैं सुन लेती हूँ ठीक है क्योंकि तुम मेरे सब के सब राजा बाबू है ना यस कहा चले गए तुम इतने मैसेज कर रहे हो बेटा हम उसको हाइड द यूजर नहीं कर पा रहे या तो तुम मैसेज कम कर लो ओ ओहो, ओहो इतनी प्यारी बात है बेटा शुभम सिंह चलो अब देखो इधर ये हो गया बेटा क्लोरोफिल अब आते हैं क्लोरोफिल बी अब इसको डिफरेंट कलर से बनाएंगे इधर आ जाओ ये है हमारा क्लोरोफिल बी ठीक है अब क्लोरोफिल बी देखो थोड़ा सा सरक गया अब हमारे चैट बॉक्स में कौन है रोशनी है रोशनी कहती है मैम जब मैं पिंक कलर की फ्रॉक पहनती हूँ तो मैं बहुत सुंदर लगती हूँ बट जब रोशनी हमारी पिंक की जगह रेड कलर की फ्रॉक पहनती है तो वो थोड़ी सी डरावनी भी लगती है तो यानी कि बेस्ट कब दिखती है वो जब येलो ग्रीन कलर का लाइट पड़ता है तो क्लोरोफिल बी वर्क्स मैक्सिमम व्हेन इट रिसीव्स द लाइट ऑफ येलो एंड ग्रीन कलर फ्रॉम द वाइट स्पेक्ट्रम है ना बिल्कुल सही बात है अब आते नेक्स्ट पे चलो नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है जब हम क्रिएटिन को देखते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है तो जो क्रिएटिन ये सबसे ज्यादा काम तब करते हैं जब इन्हें येलो और ऑरेंज कलर की लाइट मिलती है ठीक है बच्चों और वहीं पे जो हमारे है जो हमारे है है बनाए नहीं एनसीईआरटी ने नीले रंग का बनाया नहीं जैतो फिल बनाए नहीं है जैनो तब काम करेगा जब मैक्सिमम येलो लाइट आएगी बेटा ये चीज समझ में आई ड्रैकुला कलर लिख रहे हैं डायल लिख रहे हैं बेटा रोशनी डोंट माइंड अ यस yes, ये सबके सब निकम में है इनकी बात सुनना भी मत <laughs> नहीं नहीं बेटे रोशनी को लेकर आओ यार ऐसे मत करो मैं बच्चे मत भगाया करो yes. तुम यस अरे रोशनी आ तुम मेरी प्यारी बेटी है प्यारी बेटी है भरत भरत भी ड्राकुला लगता है मैं बता रही हूँ बेटा ये समझाने का तरीका तो अब से लड़कियों पे कोई एग्जाम्पल नहीं यार लड़कियां तुरंत से बुरा मान जाती है ऐसे मैं लड़कियों को लेकर कभी एग्जाम्पल नहीं कोट करती बेटा ऐसे थोड़ी होता है हैव अ गुड स्पिरिट यस अब देखो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बस ये बता दो ये चीज समझ में आ गई सबको अब आते इस पे अब इस पे आएंगे ठीक है रेट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज तो अब यहां पे रेट ऑफ फोटो सिंथिसंथिस कब होता है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में आता है ठीक है yes. यस ये देखिए ये आपने ऐसे बनाया यानी कि दो जगह पे यहां पे सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है और यहां पे भी सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है अब दोनों को कंपेयर करते हैं क्वेश्चन आई आस्क फ्रॉम यू ऑन फोटो लाइट और रेड लाइट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता पूछते हैं लवर्स एक्टिव हो जाएंगे चैट बॉक्स में यहां से आंसर आएगा तुम्हारे उस क्वेश्चन का मैक्सिम फोटो सिंथिस जल्दी बताओ चैट बॉक्स में कम ऑन एनसी ब्लू आज के बाद कंफ्यूजन होनी नहीं, नहीं चाहिए जो भी कोई टीचर कुछ भी पढ़ाए सीधे कहते ना एनसीआरटी में ही लिखा है आप जाके एनसीआरटी पढ़ लो ठीक है तो ब्लू लाइट यहां से मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस या फिर क्वेश्चन में पूछ सकता है मैक्सिमम ऑक्सीजन इवॉल्व कब कब आपका आंसर होगा जब ब्लू लाइट आएगी

तो यानी कि मैक्सिमम क्लोरोफिल ए एब्सॉर्ब्स मैक्सिमम लाइट एट ब्लू एंड ग्रीन वेवलेंथ ये दिया था एनसीआरटी ने पीछे राइट नाउ डज इट शो अनदर एब्सॉप्शन पीक एट एनी अदर वेबलैंट टू क्या ही किसी और वेवलेंथ पे पीक दिखाता है आपका आंसर होगा नो no. नो no. ठीक है और किसी नहीं पे नहीं दिखाता ब्लू एंड ग्रीन पे मैक्सिमम दिखाता है एन चार्ट ने लिखा है नाउ लुक एट 13.3b जो अभी हम देखकर आए हैं शोइंग द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन अ प्लांट तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ पे होती है बेटा अभी हम पीछे देखकर आए हैं ब्लू एंड रेड पे ब्लू और रेड पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है ये अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कैन यू सी that the wavelength at which master line master line gets master line yes can you see that the maximum wavelength at which there is maximum absorption by chlorophyll A, that is blue and the red region also shows higher rate of photosynthesis yani just time जिस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिले का उसी पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी होता है तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन आगे समझ में ठीक है ये थी आपकी मास्टर लाइन ये इसको मार्क करेंगे सब अच्छे तो इन सबसे इन दोनों इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता लगता है क्लोरोफिले का मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन यहां पे हो रहा है उसी टाइम पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है सो ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम तो ये वाला तो हो गया आपका एक्शन स्पेक्ट्रम शोइंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और ये वाला हो गया आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ठीक है फोटोसिंथेसिस सुपर सुपर कर रहे ब्लू ग्रीन के साथ साथ रेड पर ही पीक शो कर रहा है फर्स्ट ग्राफ के अकॉर्डिंग यस आयुषी बिल्कुल सही कह रही है कि एनसीआरटी अब यहां पे चलते हम ये ऑलमोस्ट इसने रेड ही लिया है बट यहां पे एनसीआरटी ने लिखा ब्लू ग्रीन है तो यहां पे लिखा उसने ब्लू ग्रीन है Blue, green, but actually red में maximum काम ये भी करेगा एब्जॉर्न का ठीक है यहाँ थोड़ा सा NCRT ने अपने झोल में रखा है, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है आपको हमेशा याद रखना है है, ठीक बिल्कुल सही ये चीजें आपको याद रखनी है ठीक है बेटा सो बेसिकली जब हम एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सुपर इम्पोज करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा के साथ तो दोनों सेम आते हैं ठीक है थीके? अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों हेंस वी कैन कंक्लूड दैट क्लोरोफिल ए इज अ चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस तो जब जब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसी टाइम पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है क्लोरोफिल ए का तो चीफ पिगमेंट कौन सा हो गया आपका क्लोरोफिल ए सो क्लोरोफिल ए बिकम्स अ चीफ पिगमेंट व्हिच एब्सॉर्ब्स मैक्सिमम लाइट एंड शोज मैक्सिमम फोटो सिंथिस बट बाय लुकिंग अब यह क्वेश्चन आ गया क्या एक कंप्लीट वन टू वन ओवरलैप है एक्सॉर्शन स्पेक्टर ऑफ फ्लोफिले एंड द एक्शन स्पेक्टर ऑफ फोटो सिंथिस कंप्लीट ओवरलैप है या नहीं देखो और बता दो आंसर इसमें मैम के क्या आंसर का वेट करो इतना तो तुम खुद देखकर बता सकते हो कंप्लीट ओवरलैप है या नहीं कंप्लीट ओवरलैप नहीं है नो no. क्यों क्योंकि कुछ और भी तो पिगमेंट्स है जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ठीक है नेक्स्ट आ रहे दीज ग्राफ टूगेदर शो दैट द मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ब्लू एंड द रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रा तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड रेड में होती है जिसमें ब्लू में मैक्सिमम होती है

फंक्शन ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट टू प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन ज्यादा लाइट आ जाएगी तो बेटा वो खराब हो जाएगा उससे बचाने का काम करती है ठीक है ये सो प्रिवेंट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन ठीक है अच्छा बेटा तुमसे एक छोटी सी चीज मुझे पूछनी थी मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछ लू क्योंकि तुम ही हो यार जो जिनके लिए हम काम करते हैं ठीक है आ, बेटा नेक्स्ट वीक मेरे को सेवन वीडियोस बनानी है टेन से फिफ्टीन मिनट्स की टेन मिनट्स की टेन से फिफ्टीन नाउ आई सीरीज और आई शुड स्टार्ट विद नीट हेल्थ सीरीज आप मुझे चैट बॉक्स में बता देना कमेंट सेक्शन में बता देना ठीक है जैसे आपको सही लगे मैं आप बस याद रखना कि मुझे 10 से 15 मिनट की वीडियोस बनानी है अगर आप कहोगे कि मैम हमें नीट मंत्रा चाहिए यानी कि यू नो हमें छोटे छोटे टॉपिक्स चाहिए जैसे पेडिग्री हो गया कुछ भी हो गया आप वो बता सकते हैं ठीक है या फिर अगर आपको नीट हेल्थ सीरीज में अपने हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स करने हैं तो आप वो बता सकते हैं तो इट इज कम्प्लीटली योर विश दैट वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम जी स्क्वायर इन टेन टू फिफ्टीन मिनट वीडियो ठीक है आई थिंक जनता ने अपना जवाब क्या बात है बेटा फोन पे प्लानिंग की है व्हाट्सएप व्हाट्सएप कर लिया क्या फटा फटाफट से नहीं बेटा कोई नई सीरीज नहीं 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 बेटा वी डोंट डू दैट बिजनेस हम नई सीरीज लॉन्च कर करके गैदर नहीं करते अपनी ऑडियंस हमारे अभी भी इस सीरीज को शुरू हुए डेढ़ महीने से ऊपर हो चुका है शायद दो महीने हो गए हैं मैंने 16 मार्च को पहला सेशन लिया था दो महीने होने वाले हैं और आज भी मेरी क्लास में उतने ही बच्चे हैं उतने ही व्यूज है जितने मेरे दो महीने पहले थे ठीक है मुझे नई सीरीज शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि ये हाईलाइट सीरीज बच्चों के एक्चुअली काम आ रही है और जिस दिन मुझे लगेगा ये सीरीज मीनिंगलेस हो गई मैं उस दिन बंद कर दूंगी बट आई एम नॉट डूइंग दैट बिग रिवील नथिंग नथिंग मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है जितने मेरे बच्चे मैं उतने में खुश हूँ आई एम हैप्पी आई एम मोर देन हैप्पी विद माई किड्स इससे ज्यादा मुझे आ जाएंगे बच्चे मैं और खुश हो जाऊंगी बट ये yes,

लाइट रिएक्शन ऑलवेज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट पहली चीज तो यह देख लेते हैं लाइट रिएक्शन ऑलवेज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यह चीज इंपॉर्टेंट है हमेशा लाइट के प्रेजेंस में होता है लाइट रिएक्शन ठीक है नाउ लाइट रिएक्शन और द फोटोकेमिकल फेस फोटोकेमिकल लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल कहते हैं

फोटोलिसिस के लिए जो हमें आयंस की जरूरत होती है जो हम लास्ट चैप्टर से पढ़ के आए वो कौन से होते हैं मैंगनीज एंड क्लोराइड ये दोनों की जरूरत होती है ऑक्सीजन रिलीज ऑक्सीजन रिलीज।, रिलीज हमें किसने बताया था बेटा ये हमें नील ठीक है नील वॉन नील के एक्सपेरिमेंट ने बताया था कि ऑक्सीजन रिलीज अकर्स बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर

Not in the sequence in which they function during the light reaction. The LHC, light harvesting complex, are made up of. यहाँ से अब देखते हैं LHC किसका बना मिता? LHC किसका बना यहाँ पे लिख लेते हैं। Light harvesting complex किसका बना? है? Hundreds of pigment molecules bound to protein. तो यानी यहाँ पे हमारे पास pigments है, hundreds of pigments plus protein. इन दो चीजों से आपका बना है, ठीक है?

Xanthopils. ये सारे आपके एक्सेसरी पिगमेंट ठीक है बच्चों? अब आते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जो मैम ने बनाया दिस एंटायर कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एंटेना कॉम्प्लेक्स और क्वॉन्टोजोम और क्वॉंटोजोम क्या सबने बनाया लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम सबने बना दिया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यस बच्चो नेक्स्ट hmm. पे आते हैं इधर आते हैं एब्जॉर्बिंग डिफरेंट बेबले ऑफ लाइट द सिंगल एक ही मॉलिक्यूल होता क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल फॉर्म्स अ रिएक्शन सेंटर तो ये जो क्लोरोफिल ए है ये फॉर्म करता है रिएक्शन सेंटर वाई क्यों क्योंकि इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम लाइट इट एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट एंड शोज मैक्सिमम फोटो सेंसेसिस इसलिए ये रिएक्शन सेंटर है ठीक है द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम दोनों में रिएक्शन सेंटर डिफरेंट है पी वन में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है ठीक है जो 700 नैनोमीटर पे काम कर रहा है यानी कि रेड पे हेंस सेवन हंड्रेड वाई पी एस इट इट हैज नैनोमीटर दैट्स इज कॉल्ड एज पी टूर्वक्र क्या बच्चों यहां तक सबको क्लियर है एक एक लाइन एक बार जल्दी से बॉक्स में बता दो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चल रहे द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यहां पे चलेंगे यहां तक सबको बढ़िया से क्लियर फोटोसिंथेसिस चैप्टर टफ तो नहीं लग रहा है सबको ऐसा ही होना चाहिए वाई क्यू कब कैसे सबको समझ में आना चाहिए आपको अब हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पे इन फोटो सिस्टम टू फोटो सिस्टम टू क्या हो गया यही हो गया ना द रियाक्शन सेंटर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सिक्स एटी नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट कॉजिंग इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड एंड जंप इन टू एन ऑर्बिट फादर फ्रॉम द एटोमिक न्यूक्लियस

क्लोरोफिल बी जैंथोफिल्स क्रेटिनोइड्स, जो ये वाला क्लोरोफिल ए है ये पीएस टू का है ये पीएस टू का है यानी कि किस पे एब्जॉर्ब करेगा सिक्स एटी की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा यहां आपका सूरज है जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जी स्क्वायर की क्लास चलती रहेगी है ना भाई ये सन है अब देखो यहां पे सन की लाइट आई या गई सन की लाइट सबसे पहले इस लाइट के फोटोन्स को एब्जॉर्ब कौन करता है एक्सेसरी पिगमेंट्स सो फर्स्ट स्टेप फोटोन्स फ्रॉम सन लाइट आर एब्सॉर्ब बाय एक्सेसरी पिगमेंट्स एक्सेसरी पिगमेंट्स पहला स्टेप हमने लिखा फोटॉन्स इन्होंने अब्सॉर्ब किए जब इसने फोटोन अब्सॉर्ब किए तो ये एक्साइटेड हो गए ठीक है यानी कि एनर्जी अब पास की इन्होंने किसको क्लोरोफिल ए को देन इट इज ट्रांसफर टू क्लोरोफिल ए क्योंकि अगर सीधा क्लोरोफिल ए पे आती लाइट तो वो तो फोटो ऑक्सीडाइज हो जाता तो उसे बचाना है ना बेटा यस yes, बिल्कुल तो नाउ द एनर्जी ट्रांसफर टू क्लोरोफिल ए ठीक है अब क्लोरोफिल क्या हो गया एक्साइटेड मैं ऐड एक्साइटेड मैं ऐड है ना यस बिल्कुल अब ये एक्साइटेड हो गया अब जैसे ही एक्साइटेड हुआ इसने उछाल के फेंके वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तो यहां से तीसरा स्टेप क्या हो गया क्लोरोफिल ए ठीक है एक्साइट टू इलेक्ट्रॉन ठीक है और ये जो दो इलेक्ट्रॉन ऊपर उछले हैं इसको पकड़ने वाला भी तो है फील्डर ठीक है इसको पकड़ने वाला फील्डर कौन है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां तक एनसीआरटी पढ़िए यहां तक डायग्राम पढ़िए डायग्राम देखिए आपको पता लगेगा एक एक चीज हमने बढ़िया से बनाई है बच्चों जल्दी से बताइए मैम क्योंकि यहां पे काफी अच्छा बढ़िया से एब्जॉर्प्शन भी, भी होता है और फंक्शन भी होता है इसलिए रेड लाइट हम्म बच्चों ये बिल्कुल समझ में आ गया आपको यहाँ पे जो हमने बनाया और जो एनसीआरटी ने लिखा हुआ है दीज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेट अब ने यानी ये रहा, तो सिस्टम कंसिस्टिंग छोटा सा बना हुआ है इसका कोई मतलब भी नहीं है ठीक है इसको हम फटाफट से बढ़िया तरीके से बनाते हैं और फिर इसको हम पढ़ेंगे ठीक है तो डायग्राम बनाएंगे बेटा जैसे बारह बज के पच्चीस मिनट हो जाए एक बार बता देना ठीक है साढ़े बारह बजे मीटिंग है मैम की तो बारह पच्चीस में सब मैम को बता देंगे मैम मीटिंग का टाइम हो रहा है आप खिसक लो ठीक है चलो तब तो हम यहां पर बनाएंगे नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइजेशन ठीक है अब देखो यहां पे हो क्या रहा है ये बनाया क्लोरोफिल ए ये एक्सेसरी पिगमेंट्स ये बनाया सन पहले ही बना देना चाहिए था यार डबल डबल मेहनत हो गई बच्चों ठीक है ये बनाया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रियंका चोपड़ा ठीक है प्रियंका चोपड़ा ओके ये आपने बना लिया बेटा ये आपने पूरा पूरा बना लिया ठीक है अब देखो यहाँ पे पी एस टू ये है आपका पीएस वन अब देखो बिल्कुल बढ़िया से इसे हम जेड स्कीम भी बोलते हैं क्या भी? बोलते हैं जेड स्कीम भी बोलते हैं ठीक है यस हाँ बेटा राहुल जितना तू तो बोल रहा है ना हाइट द यूजर कर दूंगी बोल नहीं पाएगा फिर तू तो? यस स्पेशल क्लास होगी बेटा बिल्कुल स्पेशल क्लास होगी मीटिंग खत्म कर देंगे तुम्हारी स्पेशल क्लास के लिए स्पेशल क्लास है एक बजे सब आ जाना उड़ के मजा आ जाएगा अब देखो तो यहाँ पे फोटोन आया फोटोन आया इसे एब्जॉर्ब सब सबसे पहले किसने किया एक्सेसरी पिगमेंट्स ने यहां से एनर्जी गई क्लोरोफिल ए के पास आ गई क्लोरोफिल ए के पास ठीक है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उछल गए इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे उतर रहे हैं उतर गए नीचे यहां पे एक तुम्हें हाथ लग गया मुनाफा हो गया तुम्हें जैसे दो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे किसके पास वन ये पहुंच गया इसके पास इसने भी उछाल दिए टू इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन फिर किसने कैच किया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने जो कहा चले गए फेरिडॉक्सिन के पास अब यहाँ पे रिएक्शन जो होगा वो होगा रिडक्शन यानी कि एनएडीपी से आपको मिलेगा एनएडीपीएच तो सवाल बेटा जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला क्या वो वापस आया कभी नहीं आया वो इलेक्ट्रॉन वापस कभी नहीं आया तो यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इसलिए इस वाले सिस्टम पे हमेशा रिएक्शन चलता रहेगा यानी टू एच प्लस बनता रहेगा ऑक्सीजन बनता रहेगा और इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा यह ऑक्सीजन एयर में चला जाएगा यह 2H+ plus, ATP सिंथेसिस के काम आएगा और दो इलेक्ट्रॉन वापस यूज हो जाएंगे फॉर अनदर राउंड ऑफ फोटो केमिकल रिएक्शन क्या आपको ये समझ में आया जेड स्कीम? अब यहां पे पहला क्वेश्चन क्या ऑक्सीजन निकल रहा है आप कहेंगे यस मैम ऑक्सीजन इवॉल हो रहा है सेकेंड क्या फोटोलिस हो रहा है आप कहेंगे yes, भी हो रहा है. कहां पे हो रहा है? Inner membrane of Inner membrane of पे हो रहा है. है? पे मेम्ब्रेन ऑफ है. ठीक है तीसरी चीज क्या एटीपी बन रही है आप कहेंगे यस मैम एटीपी भी बन रही है फोर्ट क्या एनएडीपीएच बन रहा है आप कहेंगे यस yes, मैम NADPH भी बन रहा है कहां पे बन रहा है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन क्या वापस इलेक्ट्रॉन आया आप कहेंगे नो मैम इलेक्ट्रॉन नेवर कम्स बैक कम्स बैक तभी क्या कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर हम इसे बोलते हैं जेड स्कीम यस yes, बच्चों बनाया सबने प्रियंका बेटा आप आराम से सुनते हो नहीं सकता कि आपको ये चीज समझना है इतना इजी मैम बताती हैं एक एक चीज बेटा एक एक चीज क्लियर है एक एक पॉइंट लिखा है थोड़ा सा कोशिश करो बेटा समझने के लिए चलो अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे और मैच करेंगे कि जो हमने पढ़ा है वो रिएक्शन सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ठीक है यस देखते इधर दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन

बट लेट मी टेल यू मैम ने एक एक चीज लिखी है एक एक चीज लिखी है अगर आप ध्यान से मैम का वो डायग्राम देखेंगे जो जस्ट मैम ने अभी बनाया फिर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैम ने एक एक चीज पढ़ाई है ठीक है जा रही हूँ बेटा जा रही हूँ तो आज हम यही करेंगे यहीं तक करेंगे और कल की क्लास में ये बेटा तीन क्लास में हो गया वाला चैप्टर दिस चैप्टर विल टेक थ्री क्लासेस आराम से पोर तीन क्लासेस में होगा बेटा ये को सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाना ठीक है और कल टाइम से ग्यारह बजे आ जाना मजा आएगा फिर से क्योंकि पार्ट टू करेंगे फोटो लिस्ट सी थ्री साइकिल यहां तक कवर करेंगे फिर हमें सी फोर सी टू साइकिल भी करनी है फिर हमें बहुत कुछ करना है कोई नहीं हो जाएगा बाय किड्स और एक बजे अभी आ जाओ कहां पे एनटीए के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस में उसके लिए जीएनईट &E कोड यूज कर लेना फटा फटाफट से आ जाना वन ओ क्लॉक आई सी यू बाय किड्स